हिंदुस्तान में जब भी किसी छोटे बच्चे से आप पूछो कि बेटा बड़े होके क्या बनोगे, तो उसको जब कुछ समझ नहीं आता तो वो ये जवाब देता है कि इंजीनियर बनूंगा। और ये जवाब अक्सर हम अपने आसपास बड़े छोटों से सुनते रहते हैं। इवन अपने आसपास जब हम लोगों को देखते हैं तो उनमें से बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि यार हम तो इंजीनियर हैं या इंजीनियरिंग की है। सो आज इस फील्ड के बारे में बहुत सारा कुछ जानेंगे, क्यों लोगों का इंजीनियरिंग करने में इतना इंटरेस्ट है, इस बारे में भी बात करेंगे। हाय हेलो, मेरा नाम है आरजे नैनी। 94.3 माय एफएम पर आप मुझे सुनते हैं यंगस्टान शो में, 2 से 5 बजे तक राजस्थान की 6 सिटीज़ में। और अभी आप देख रहे हैं राइज एंड शाइन प्रेजेंटेड बाय पूर्णिमा ग्रुप। सो इसमें हम बात कर रहे हैं अलग अलग कोर्सेज की, और आज इंजीनियरिंग की बात करने वाले हैं जो कि सबसे ट्रेंडिंग फील्ड है। सो मेरे साथ हैं अंकुश जैन जो कि एचओडी हैं इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के। सो सबसे पहले तो अंकुश जी बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच आपका इस एपिसोड में। तो सबसे पहले मैं कुछ टेक्निकल सवाल आपसे पूछूं, उससे पहले जानना चाहूंगी कि इतने मीम्स इतने जोक्स सिर्फ एक इस स्ट्रीम पर बनते हैं, इंजीनियर से बनते हैं, तो कभी आपको पर्सनली ऑफेंडेड फील हुआ या नहीं? ऐसा कुछ पर्सनली ऑफेंडेड नहीं हुआ है, क्योंकि बेसिकली ये बनने के पीछे भी कई सारे रीजंस हैं। ओके, और इसका एक इम्पोर्टेंट रीज़न है कि एक लार्ज क्राउड जो है वो कहीं ना कहीं इस फील्ड में अभी आ रहा है। हाँ। और जो ये मीम्स बनाते हैं, और सबसे अच्छी बात मैं बताता हूँ कि मीम्स बनाने वाले भी इंजीनियर ही है, तो ऐसा कभी ऑफेंडेड नहीं लगता है। ओके, सो मुझे ये बताइए कि वाई टू चूज कोर इंजीनियरिंग? ओके, तो कोर इंजीनियरिंग मीन्स यू वॉन्ट टू से सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, राइट? अगर मैं बात करूँ तो इंजीनियरिंग की शुरुआत ही यहीं से हुई, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल से। अगर हम देखते हैं कि आज इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि बेसिकली सिविल का पार्ट है, कंस्ट्रक्शन इज अ पार्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। जो सेकंड लार्जेस्ट मोस्ट सेक्टर आता है वर्ल्ड का या इंडिया का अगर हम कहें तो वो आता है मैन्युफैक्चरिंग, और थर्ड लार्जेस्ट सेक्टर आता है एनर्जी। तो कहीं ना कहीं ये तीनों ब्रांच जो है, कंस्ट्रक्शन जो है सिविल से रिलेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग मैकेनिकल से रिलेटेड है, और एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है। जो वर्ल्ड की इकोनॉमी या इंडिया की इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं ये तीनों कोर इंजीनियरिंग ही रन कर रही है। 80-90% जो है वो इसी का पार्ट है जो कोर इंजीनियरिंग इस फील्ड में आगे बढ़ा है। वाओ, मतलब ये जवाब सुन के आज मुझे थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि लोग क्यों इंजीनियरिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सो अभी आप मुझे ये बताइए, जब भी हम इनके ब्रांचेस की बात करते हैं, जैसे अभी आपने कहा कि सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, और एक और आपने बताया मैकेनिकल है, सो इनको चूज करने से पहले क्या अपने अंदर बच्चे को सॉर्ट आउट करना चाहिए, क्या सवाल खुद से पूछने चाहिए? हाँ, बेसिकली एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जब भी हमारे पास भी स्टूडेंट आते हैं जो 10+2 में होते हैं या 10+1 में होते हैं, तो उनका भी जाहिर सा एक ये क्वेश्चन होता ही होता है कि सर हम कौन सी ब्रांच हमें चूज करनी चाहिए। सबसे पहले तो जो एक नॉमिनल थिंग है वो है कि आपको अपना सेल्फ इंटरेस्ट पहचानना पड़ेगा। डेफिनेटली आप किस चीज़ को लेकर एक्साइट होते हो, कि हाँ कि ठीक है, मैं अगर कहीं कंस्ट्रक्शन देखता हूँ या मैं कहीं प्लानिंग देखता हूँ, कहीं कोई डिज़ाइन देखता हूँ, या अपन नहीं जाते कहीं किसी कैफे में जा रहे हैं या हम किसी होटल में जा रहे हैं, तो हमें वहाँ का आर्किटेक्चर बड़ा अच्छा लगता है कि कैसे बनाया होगा, यहाँ के ये पिलर्स जो है कैसे डिज़ाइन किए होंगे, तो वो अगर मुझे इंटरेस्ट आ रहा है और वो मुझे एक्साइट कर रहा है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं मेरा इंटरेस्ट है कि मैं प्लानिंग डिजाइन में या कंस्ट्रक्शन के बारे में सोच सकता हूँ। कई एक लार्ज क्राउड है जो ये सोचता है कि ये कार कैसे डिजाइन हुई होगी, ये कार के कैसे पार्ट्स डिजाइन हुए हैं, किस तरह से जो कोई कार है, अगर मैं देखता हूँ टेस्ला की कार का एक अलग ही लुक आता है, वोल्सवैगन की कार का एक अलग लुक आता है, स्पेशली लड़कों को, यस यस, तो किस तरह से उसकी डिजाइन हुई है, कैसे वो प्रोडक्ट बना है, कैसे उसकी मॉडलिंग हुई है, तो ये कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट है वो 8th क्लास 7th क्लास से भी इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देता है। तो इसका मतलब उसको ये पहचानना पड़ेगा कि हाँ मुझे ऑटोमोबाइल सेक्टर में इंटरेस्ट है, कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे एक्साइट कर रही है। कई जो है पावर सेक्टर में या एनर्जी में, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी क्या चल रहा है, सोलर एनर्जी के बारे में अभी आप देख रहे होंगे, सोलर एनर्जी का काफ़ी अच्छा स्कोप चल रहा है, तो सोलर एनर्जी के बारे में इंटरेस्ट रहता है, तो ये कहीं ना कहीं अपना इंटरेस्ट सबसे पहले डेवलप करना होगा। कुछ बच्चे मैंने देखा है बचपन से ही तारों को जोड़ने में बड़े इंटरेस्ट, बिल्कुल बिल्कुल, कुछ करते हैं, जाते ही जाते हैं स्विच, और वो जैसे कई बार पावर कट हो जाता है घर में, वो खुद से जाके कुछ ना कुछ करने लग जाते हैं, वो कहीं ना कहीं वो भी एक लर्निंग का पार्ट आगे जाके बनता है। तो यही एक फर्स्ट फैक्टर है जो खुद में करना। ओके ओके, तो अभी बिकॉज बहुत मास है जो उसकी तरफ जा रहा है, तो करियर अपॉर्चुनिटीज़ की हम बात करें तो क्या इतने लोगों के चूज़ करने के बाद भी एक मतलब एवरेज अपॉर्चुनिटीज़ हैं
जो लोगों को मिल सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, इसको मैं किस क्वेश्चन को ऐसे जोड़ना चाहूँगा कि बेसिकली इंजीनियरिंग, हम सब जानते हैं कि इंजीनियरिंग इज व्हाट, इंजीनियरिंग इज अ काइंड ऑफ डेवलपमेंट। डेफिनेटली, अगर कहीं भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, जो अभी आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर भी विकास, हर जगह विकास चाहते हैं, तो बेसिकली वो विकास क्या है, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट है, और डेवलपमेंट कहीं ना कहीं जुड़ा किन ब्रांचेस से, कोर इंजीनियरिंग की ब्रांच से। एक इंजीनियरिंग में हमारे एक स्टेटमेंट होता है कि भगवान के बाद अगर किसी ने कुछ बनाया है तो वो इंजीनियर है ना। ऐसा क्यों मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भगवान ने क्या बनाया, प्रकृति बनाई, एक अर्थ बनाई। अब एक जगह से दूसरी जगह तक कनेक्ट किसने किया, इंजीनियर ने। रोड बनाया अगर, तो कहीं ना कहीं इंजीनियर्स ने कनेक्ट किया। अगर मुझे यहाँ से किसी दूसरी जगह जाना है तो वो इंजीनियर ने कार बनाई, इंजीनियर ने ही व्हीकल बनाया कि मैं अब वो जो रोड बना के गए सिविल इंजीनियर, तो उसको मैं कैसे मैकेनिकल इंजीनियर उसको डेवलप करके कहीं ना कहीं अपने व्हीकल बना के और एक मीडियम बना के उसको प्लेटफॉर्म को एक जगह से दूसरी जगह ले गए। थर्ड जो सेक्टर है अगर मैं बात करूँ इसी फील्ड में कि इलेक्ट्रिकल का, लाइट आपको पता है कितना जरूरी है, आजकल हर चीज़ जो है पावर सेक्टर से जुड़ी है, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे कोई कंपनी रन करना हो, तो वो एक तीसरा फैक्टर इसमें आ गया। तो इन तीनों सेक्टर जो कि भगवान के बाद बनाई गई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डेवलपमेंट, उसमें कभी कोई करियर का जो है डाउनफॉल हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। और इसमें अपॉर्चुनिटी जो है वो नई से नई अपॉर्चुनिटी आती आपको मिलती रहेंगी। हाँ, ये जरूर है कि अपन मॉडर्न होते जा रहे हैं तो टाइम के साथ साथ चीजें चेंज हो, हर चीज चेंज होती है, हर टाइम के साथ साथ चीजें चेंज हो रही है। पहले अगर मैं इसको इलेक्ट्रिकल ब्रांच बोलता था, अभी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर भी एक इसमें नया आया कि हाँ ठीक है, अभी मॉडर्न हम होते जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल को किस तरह से हम कंप्यूटर के साथ जोड़ के एक नया एक सोसाइटी में कुछ कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। अभी आपने देखा एक बड़ा इम्पोर्टेंट चर्चा में था इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो पहले टाइम पर अपन डीजल व्हीकल चलाते थे, पेट्रोल व्हीकल चलाते हैं, अब जब इलेक्ट्रिक व्हीकल आया तो ये भी कहीं ना कहीं इंजीनियर ने ही इसको एक नया मोड़ दिया वक्त की मांग के साथ। तो जो नया मोड़ आया वही एक तरह से अपॉर्चुनिटी लेके आया, तो अभी लोग जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ भी मूव कर रहे हैं। तो बच्चा स्पेशली जब इंजीनियरिंग में एडमिशन लेता है तो एक इस सोच के साथ लेता है और घर वालों को भी यही बता के कन्विंस करता है कि 3 साल में ये कर लेता हूँ, उसके बाद एक अच्छा प्लेसमेंट मेरा हो जाएगा, जॉब मिल जाएगी। सो पूर्णिमा प्लेसमेंट में किस तरीके से बच्चों को हेल्प करता है? रियली दैट्स अ नाइस क्वेश्चन, क्योंकि जो पहली रिक्वायरमेंट होती है कोई भी जब बच्चा एडमिशन लेता है तो पहली रिक्वायरमेंट उसकी क्या होती है कि जॉब, क्योंकि हम कुछ भी कोर्स कर रहे हैं तो हमारी जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, लगेगी तो कहाँ लगेगी, किस तरह की कंपनीज आती है। हमारे यहाँ पर पूर्णिमा यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर से ही हम लोग जो है स्टूडेंट की जॉब के ऊपर और स्टूडेंट की प्लेसमेंट स्ट्रेटजीज के ऊपर हम काम करना स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में हमको ये पता होता है कि स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, आगे जाके जो कंपनीज आने वाली, जो बिग सेक्टर्स की कंपनी MNCs है, बड़ी कंपनीज है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उन रिक्वायरमेंट को हम स्टूडेंट के फर्स्ट सेमेस्टर से ही वो फुलफिल करते जाते हैं। कहीं ना कहीं हम इंडस्ट्री जो इंट्रैक्शन है वो ज़्यादा कराते हैं ताकि बच्चे को लर्निंग हो कि हाँ उसको करना क्या है, आगे जाके 4 साल बाद जो उसको जॉब करनी है कहीं जाके किसी कंपनी में जाके, उसको वो चीज़ पहले अनुभव हो कि हाँ मुझे इस तरह का एनवायरनमेंट मिलने वाला है तो मैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करूँ। जो कंपनी में सेलेक्ट होने के लिए जो रिक्वायरमेंट बेसिक थिंग्स है, लाइक टेक्निकल, लाइक इंटरव्यूज, कुछ एग्जामिनेशन पैटर्न, वो हम कहीं ना कहीं फर्स्ट सेमेस्टर से उसका ये अगर जिस तरीके से वास्ट फील्ड है तो अपॉर्चुनिटीज भी उतने ही लेवल पर इंक्रीज हो रही है डे बाय डे जैसे वक्त चेंज हो रहा है, क्योंकि अभी वक्त इस तरह से चेंज हो रहा है कि हर चीज में डिमांड बढ़ रही है। तो अगर डिमांड बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं जो है वो सप्लाई भी बढ़ानी पड़ेगी। ओके, सो अभी बहुत सारे लोग होंगे जो इस स्टेज पर होंगे जहाँ वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें, वैसी मुश्किल उनके दिल में चल रही होगी। सो क्या एक मैसेज अंकुश जी आप उन सारे यंगस्टर्स को देना चाहेंगे? हाँ, बेसिकली अगर कई सारे अलग अलग सेक्टर के स्टूडेंट्स होते हैं, अगर मैं बात करूँ एक PCM, क्योंकि जो जनरली जो सबसे बड़ा डाउट आता है वो PCM स्टूडेंट्स को आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जिन्होंने किया हुआ रहता है कि मैं किस कोर्स में जाऊँ, मैं कोर इंजीनियरिंग में जाऊँ, नॉन कोर इंजीनियरिंग में जाऊँ, या मैं कहीं एप्लीकेशंस वाले कोर्सेज में जाऊँ, BCA MCA वगैरह जो कोर्सेज होते हैं, तो मैं उनके लिए यही एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप अपने आपके इंटरेस्ट को पहचानिए, कभी भी अपने साथ कोई क्या कर रहा है उसको मत देखिए, क्योंकि अभी बेसिकली जो एक लार्ज क्राउड है वो ये देख रहा है कि मेरे स्कूल में अगर 50 स्टूडेंट हैं, 40 क्या कर रहे हैं, वही हम 10 करेंगे, तो उन 10 को भी ये समझना पड़ेगा कि क्या मेरी परसेंटेज, मेरी 11th क्लास की परसेंटेज, 12th क्लास की परसेंटेज, क्या मेरी मैथमेटिक्स, क्या मेरा जो नज़रिया है देखने का, समझने का, कंप्यूटर पैटर्न मेरा क्या है, मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, वो उसको खुद को समझना पड़ेगा। अगर वो खुद अकेला भी आगे किसी ब्रांच में बढ़ रहा है तो भी वो कोई गलत नहीं है।
इंजीनियरिंग ऐसी ब्रांच है जिसमें अगर आपको इंटरेस्ट आया तो आप अकेले हो चाहे आप कितने में भी क्राउड में हो, आप एक अलग ही बन के निकलोगे। डेफिनेटली ये एक इंजीनियरिंग की पहचान है। और अगर आप केवल एक भीड़ के साथ चलना चाहोगे तो फिर आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं रुकावट आती है, और फिर आप कुछ भी कर सकते हो जो भीड़ कर रही है वो। तो वो एक थ्री इडियट्स तो आई थिंक सब लोगों ने देखी है, तो उसी का एक नजरिया है कि आप काबिल बनो, कामयाबी जक मार के आपके पीछे आएगी। डेफिनेटली। सो थैंक यू सो मच अंकुश जी, आई होप आपको मजा आया होगा। बहुत सारी बातें हमने की, सारे सवालों के जवाब यहाँ पर, जो बेसिक चीज़ें थी उनके जवाब हमको यहाँ पर मिल गए। सो इसी तरह से आप देखते रहिए, आगे भी राइज एंड शाइन में कुछ ऐसे एपिसोड्स आपके लिए लेकर आएंगे जिसमें नए नए कोर्सेज के बारे में बात करेंगे, उनके बारे में जो कोर चीज़ें हैं वो हम जानेंगे। एंड अभी वो लोग जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं लेकिन थोड़े कन्फ्यूज़ हैं, उनसे ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।